आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल की हेल्प से अपने फिंगर्स को स्कैन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल स्कैनिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है जो हमने आपको ईमेल पे सेंड किया है। तो हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ईमेल ओपन करेंगे जिसमें स्कैनिंग सॉफ्टवेयर फॉर एंड्रॉयड नाम का मेल आया होगा। अब हम उस मेल पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करने के बाद APK फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आपके मोबाइल में ऐप डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है तो ठीक है, अगर इस तरह का मैसेज आता है तो सेटिंग में जाकर अननोन सोर्स ऑप्शन को अलाउ कर देना है। इसके बाद वापस बैक जाकर फिर से APK पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ऐप इंस्टॉल होने लगेगा। आप देख सकते हैं कि ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है और ऐप का आइकन भी आ गया है। अब हम अपने मोबाइल में स्कैनर अटैच कर लेंगे और ऐप को ओपन करने के लिए आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्कैन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा जिसमें आपको यहाँ पे टिक मार्क करके ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अपने फिंगर को स्कैनर पे रखेंगे आपकी फिंगर स्कैन होने लगेगी। परफेक्ट कोर एंड डेल्टा कैप्चर होने के बाद स्टॉप पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। उसे एक नाम देकर सेव कर लेना है। अब ये फिंगरप्रिंट सेव हो गई है तो सेव्ड इमेज को ओपन करने के लिए हमें फाइल मैनेजर में जाना है, फिर इंटरनल स्टोरेज में जाकर एंड्रॉइड फोल्डर ओपन करना है। उसके बाद FTR स्कैन डेमो फोल्डर में जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इमेज सेव्ड है। अब आप इस सेव्ड इमेज को रिपोर्ट जनरेशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।